lecture 18 jump, unconditional jump, conditional jump and compare. lecture 17 के अंदर हमने पढ़ा कि flag registers क्यों पढ़ते हैं और होते क्या हैं. आज हम पढ़ेंगे jump के बारे में. तो start करते हैं कि jump आखिर है क्या. बिलफर्स आप के पास यूं instructions हैं तीन, a print करने की. a आपने letter भेजा dl के पास और function 2 call किया. सर्विस रूटीन टू कहें या फंक्शन टू कहें, सर्विस रूटीन या फंक्शन बात से ना, तो आपने फंक्शन टू कॉल किया ए को प्रिंट करने के लिए. इससे ए प्रिंट हो जाएगा एक बार. अब आप चाहते हो जब प्रोग्राम यूं चला तो ये यहां से लेके यहां पे जंप मारे और दोबारा प्रोग्राम चले, इस तरह जंप करे, इंस्ट्रक्शन चले, ये चली ये चली ये चली, यहां पे जब आए तो ये जंप मार के इधर आ जाए, एक जगह से दूसरी जगह आ जाए, तो इसे कहते हैं जंप. या बिलफर्स आपने प्रोग्राम आपका यूं चल रहा है कि आपने मूव एच कोमा वन कर दिया, मतलब आप फंक्शन वन कॉल कर रहे हो जिसका मतलब है इनपुट लेना. तो आपने जो इनपुट लिया वो आप चाह रहे हो कि मैं डीएल से कंपेयर करूं. अगर दोनों इक्वल हैं तो इस तरह जंप मार दे, मतलब कि अगर दोनों इक्वल हैं तो ये दोबारा यूज़र से इनपुट ले ले, क्योंकि यहाँ पे जब आएगा तो दोबारा ये प्रोग्राम चलेगा, इस तरह यूँ चलता रहेगा. मतलब इनपुट लिया, चेक किया, अगर इक्वल है तो ये दोबारा ऊपर जाएगा और दोबारा इनपुट लेगा, दोबारा कंपेयर करेगा. जब इक्वल नहीं होगा तो फिर ये खुद ही नीचे आ जाएगा. जंप सिर्फ कंडीशन पे करेगा जब कंडीशन वही होगी जो हम लिखेंगे, तो इसे कहते हैं जंप. एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये था नॉर्मली इसका मतलब. अगर हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर बात करें तो देखें हो क्या रहा है. आपने प्रोग्राम यूं चला जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम फ्लो, कि प्रोग्राम किस तरह चल रहा है. प्रोग्राम फ्लो यूं चला, आपने अचानक से उसको ऊपर भेज दिया तो आपने प्रोग्राम फ्लो को कंट्रोल किया. यहाँ भी आप प्रोग्राम फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं कि आपका प्रोग्राम यूं चला, कंडीशन लगाई, फिर दोबारा जंप कर दिया कंडीशन के लिहाज से, ये भी आप प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं. तो जंप दरअसल एक इंस्ट्रक्शन होती है जो कि प्रोग्राम फ्लो को कंट्रोल करती है. इज इंस्ट्रक्शन टू कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो. नॉर्मली आप ये कह सकते हो कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, एक बिना किसी कंडीशन के, एक कंडीशन के लिहाज से. यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी, आपने ए प्रिंट किया, दोबारा चले गए ए प्रिंट किया, यहाँ पे आप कंडीशन लगाइए, अगर इनपुट और डीएल जो नंबर है बराबर हैं तभी जंप करेगा, वरना नहीं. तो जंप के दो टाइप्स होते हैं, एक अनकंडीशनल दूसरा कंडीशनल. पहला है अनकंडीशनल. अनकंडीशनल क्या है देखें, बिलफर्स ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने डीएल के पास ए भेजा, उसको प्रिंट किया, तो आप दोबारा जंप यहाँ से यहाँ मारना चाहते हो, तो यहाँ पे जंप आप कैसे करोगे. जंप करने के लिए आपको एक जगह चाहिए, एक नाम चाहिए, एक नाम से एक जगह चाहिए जहाँ पे आप जाओगे या आओगे, एड्रेस होगा आपके पास या नाम होगा. तो इसका यहाँ पे एड्रेस या जगह से मतलब क्या है, लेबल. लूप के अंदर मैंने आपको समझाया था कि लेबल क्या होता है, उसकी नीड क्या होती है. तो हम लेबल यूज़ करेंगे जहाँ हमें जाना होगा, तो मैं यहाँ पे लेबल लगाऊंगा. अब मुझे यहाँ से दोबारा यहाँ पे जाना है, तो मैं यहाँ से यहाँ पे जाना है इस लेबल पे, तो जंप टू लेबल करूँगा बिना किसी कंडीशन के, तो उसे कहेंगे अनकंडीशनल जंप. जंप टू लेबल विदाउट एनी कंडीशन. आपने प्रोग्राम चलाया, यहाँ से जंप करते हैं L1 के पास, तो ये जंप टू लेबल हुआ बिना किसी कंडीशन के. इसका सिंटेक्स क्या होता है लिखने का, देखें सबसे पहले आता है JMP, उसके बाद लेबल का नाम लिखते हैं. अब मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, JMP लिखूंगा, उसके बाद L1 यू. अब हो गया मेरा प्रोग्राम कंप्लीट. जैसे प्रोग्राम चलेगा अब क्या होगा कि आपका प्रोग्राम चला, ADL के अंदर गया, उसको प्रिंट किया, यहाँ पे देखा कि जंप लिखा हुआ है, कहाँ पे जाना है L1 के पास, L1 के पास जाएगा, यूं सीधा यूं गया L1 के पास आ गया, फिर दोबारा चलेगा, इस तरह चलता रहेगा. ये था जंप बिना किसी कंडीशन के, जंप टू लेबल विदाउट एनी कंडीशन, इसे कहते हैं अनकंडीशनल जंप. तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हो, जंप लिख के लेबल का नाम देना है, चाहे लेबल आपका ऊपर हो चाहे लेबल आपका नीचे हो, प्रोग्राम में लेबल आपका कहीं भी हो वो उसी लेबल पे जंप करके चला जाएगा, फिर वहीं से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, इसे कहते हैं अनकंडीशनल जंप. इसके बाद आता है कंडीशनल जंप. कंडीशनल जंप क्या होता है, जिस तरह ये था जंप टू लेबल विदाउट एनी कंडीशन, तो ये होगा जंप टू लेबल व्हेन कंडीशन अकर, मतलब जब हम कोई कंडीशन देंगे वो कंडीशन आएगी
तभी जंप करेगा वरना जंप नहीं करेगा। कैसे देखें, सबसे पहले उसका सिंटेक्स देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे। सिंटेक्स में क्या होता है कि आप लिखते हो ओपकोड, उसके बाद लिखते हो लेबल, जिस तरह यहां पे था जंप उसके बाद था लेबल। तो यहां पे ओपकोड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ओपकोड का मतलब है जंप बहुत सारे हैं, कंडीशंस बहुत सारी हैं। एक इक्वल टू की कंडीशन है, एक लेस देन की है, एक ग्रेटर की है, तो कंडीशंस हैं, इसलिए मैंने ऑपकोड लिख दिया। तो इसके कंडीशनल जंप के ऑपकोड अपने अपने हैं, हम वो देखेंगे स्ट्रक्चर के अंदर। तो सबसे पहले ऑपकोड, उसके बाद लेबल, जिस तरह लेबल ये था उस तरह लेबल कॉल करेंगे। तो अगर इस प्रोग्राम का एग्जांपल लें कि हम इसमें इनपुट ले रहे हैं और इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, अगर दोनों इक्वल हैं तो ये जंप कर देगा। तो इसको किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले तो लेबल आएगा जहां हमें जाना है, अब जंप की इंस्ट्रक्शन कंडीशनल वाली, किस कंडीशन के लिए नहीं, मुझे इक्वल टू की कंडीशन, तो मैं उसके लिए लिखूंगा जे ई, मतलब जंप इक्वल, उसके बाद जहां जाना है लेबल का नाम दे दिया, बस। अब क्या हुआ, लेबल हुआ, इनपुट लिया, डील के पास गया, जंप बराबर होगा तो एल वन के पास चला जाएगा। लेकिन अब यहां पे एक मसला, क्या मसला देखें, मैंने आपको दो चीजें दी, मैं आपको कहता हूं कि अगर दोनों इक्वल हैं तो आप ये कर सकते हो। अब बताएं आप आगे से जवाब क्या दोगे, जब तक आप दो चीजों को कंपेयर नहीं कर रहे, जब तक आप दो चीजों को किसी तरीके से मेजर नहीं कर रहे, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो चीजें बराबर हैं, वो दोनों चीजें इक्वल हैं, कह ही नहीं सकते आप। रिजल्ट तो उसका बात की बात है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप चीजों को कंपेयर कैसे करोगे, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि हम कंपेयर करें उस रिजल्ट पे, हम बोलेंगे हाँ भाई अब मैं कर सकता हूं। तो ये जंप कैसे करेगा, किसको देख के जंप करेगा कि हाँ भाई आने वाले जो इनपुट थे बराबर थे कि नहीं थे, वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कंपेयर चाहिए होगा। कि मतलब जंप से पहले हमें कंपेयर करना पड़ेगा जिन चीज़ों के लिहाज से हमें जंप करना है। तो मुझे किसको कंपेयर करना है, इनपुट और डीएल को, तो मैं मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर, उसके बाद जंप करना है। तो यहाँ पे कंपेयर करना है, कंपेयर क्या, कंपेयर से मतलब क्या है, देखिए कंपेयर से मतलब क्या होता है, आपको दो चीज़ें देता हूँ तो ये चीज़ के बराबर है कि नहीं है, आप दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, अगर रिजल्ट जीरो आ गया तो दोनों चीज़ें बराबर थी। तो मतलब सब्ट्रैक्शन का मेथड यूज करना है, बस कंपेयर उसे कहते हैं। कंपेयर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट ऑपरेंड वन फ्रॉम ऑपरेंड टू बट डज नॉट स्टोर द रिजल्ट, ओनली चेंजेस द फ्लक्स। मतलब देखें ऑपरेंड वन और ऑपरेंड टू, मतलब दो रजिस्टर ले लें या कॉन्स्टेंट वैल्यू ले लें, कुछ भी ले लें, मतलब दो ऑपरेंड, इसमें दो ये डीएल है, थ्री ऑपरेंड है, इस तो ये भी ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड होते हैं, ये भी ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड है, तो दो ऑपरेंड, ये भी ऑपरेंड, ये भी ऑपरेंड, ये ऑपरेंड्स हैं। तो एक ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से सब्ट्रैक्ट करता है, लेकिन स्टोर रिजल्ट, रिजल्ट स्टोर नहीं करता। मतलब अगर आप वैसे नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट की जो कमांड होती है SUB, जो मैं आपको पहले सिखा के आया हूँ, उससे क्या होता है कि सब्ट्रैक्शन तो होती है ऑपरेंड वन फ्रॉम ऑपरेंड टू, बट जो डेस्टिनेशन होता है उसके अंदर आपकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, तो आपके रिजल्ट के साथ साथ जो पीछे आपके जो वैल्यूज थी वो भी चेंज हो जाती हैं। तो हम ये नहीं चाह रहे, हम चाह रहे सिर्फ कंपेरिजन हो, सिर्फ कंपेयर हो, बाकी जो चीज़ें वैसी हैं वैसी की वैसी रहे। तो उसके लिए हम कंपेयर यूज करते हैं। कंपेयर का मकसद ये होता है कि सब्ट्रैक्ट ओपन वन फ्रॉम ओपन टू बट दैट डज नॉट स्टोर द रिजल्ट, ओनली चेंजेस द फ्लेक्स। अब चेंजेस द फ्लेक्स से मतलब क्या, फ्लेक्स को चेंज क्यों कर रहा है, देखें अब मैंने आपको बताया था कि जब दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर रिजल्ट जीरो आता है, लेक्चर 17 के अंदर फ्लेग वाला रजिस्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर दो नंबर की सेपरेशन करते हैं और अगर रिजल्ट जीरो आता है तो उसको कौन सा फ्लेग हैंडल करता है, जीरो फ्लेग, जीरो फ्लेग वन हो जाएगा अगर रिजल्ट आपका जीरो आ गया। तो फ्लेग रजिस्टर जब चेंज होगा उसको ये ओपकोड है, ये वाली लाइन वो सीधा वहां जाएगी, उसको चेक करेगी, इसलिए चेंजेस द फ्लेक्स, फ्लेक्स चेंज होना जरूरी है, उसके लिहाज से ही तो हम जंप कर सकते हैं। ये कंपेरिजन होगी, उसके बाद ये जाएगा फ्लेग के पास, चेक करेगा, उसके बाद बताएगा कि हाँ भाई बराबर हैं, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो कंपेरिजन ये होती है। कंपेरिजन के लिए सिंटेक्स क्या होता है कि CMP लिखते हैं, उसके बाद एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, मतलब दो रजिस्टर की कंपेरिजन करनी है। तो इस तरह दूसरा तरीका भी है, इसको हम इस तरह कर लिखते हैं, DLL दो रजिस्टर हो गए। दूसरा तरीका रजिस्टर और कॉन्स्टेंट वैल्यू, मतलब आप एक रजिस्टर दे दो और दूसरी वैल्यू दे दो। तीसरा तरीका भी है कि एक रजिस्टर दे दो और मेमोरी एड्रेस,
मतलब लिस्ट दे दो, उसके बाद ब्रैकेट फॉर्म में आप ये मेमोरी एड्रेस दे सकते हो। तो तीन तरीके थे। तो हम पहला तरीका यूज़ करते हैं कि हमने इनपुट लिया जो एल के पास है, एच से इनपुट लेते हैं जो एल के अंदर स्टोर होता है, और दूसरा डी एल के पास है। तो मुझे ए एल और डी एल की कंपेरिजन करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, ये पहला मेथड कम ए एल कॉमा डी एल। अब इन दोनों की कंपेरिजन होगी। कंपेरिजन कैसे होगी कि आप इनपुट लोगे, बिलफर्ज मैंने इनपुट ले लिया थ्री, एल के पास थ्री आ गया और डी एल के पास थ्री पड़ा हुआ है। मतलब आपने यहाँ से इनपुट लिया थ्री, डी एल के पास थ्री पड़ा हुआ है, थ्री को थ्री से कंपेयर किया, किस तरह किया, सबट्रैक्ट कर दिया, थ्री माइनस थ्री जीरो हो गया। तो जीरो कहाँ पे चला जाएगा, फ्लैग रजिस्टर ऑन हो जाएगा, कौन सा, जीरो फ्लैग। अब ये जंप करेगा, जंप कैसे करेगा, मतलब ये जंप करेगा कि हाँ भाई बराबर हैं तो ये जंप करेगा। तो जंप कैसे करेगा, ये चीज़ कैसे काम करती है, ये सीधा जाएगी फ्लैग रजिस्टर के पास, इस तरह ये फ्लैग रजिस्टर है आपका बिलफर्स, ये सीधा जाएगी फ्लैग रजिस्टर के पास, ये जीरो फ्लैग सीधा जीरो फ्लैग के पास आई। जीरो फ्लैग के पास क्यों आई, देखें थ्री माइनस थ्री जीरो, जब रिजल्ट जीरो आएगा तभी आप कह सकते हो कि दोनों बराबर थे। तो उसके लिए फ्लैग कौन सा रजिस्टर ऑन होता है, जीरो फ्लैग ऑन होता है, ये मैंने आपको लेक्चर 17 के अंदर बताया था। तो जीरो फ्लैग देखेगा कि अगर वन के बराबर है तो ये जंप कर देगा, जंप इफ जेड एफ इज इक्वल टू वन, अगर ये ऑन होगा तो ये जंप कर देगा। तो बैक एंड पे दरअसल क्या होता है कि फ्लैग रजिस्टर को सारे जो ये ऑपकोड्स हैं कंडीशन जंप के, वो फ्लैग रजिस्टर को चेक करते हैं, उसके बिट्स को चेक करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया जंप इक्वल का, तो उसमें क्या होता है, जीरो फ्लैग चेक होता है। कुछ भी नहीं था, सिंपल सा प्रोग्राम था कि सबसे पहले आपको लेबल लिखना है जहाँ जाना है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन जो होंगी, और कंपेरिजन करनी पड़ेगी कि जिस जिन चीज़ों को कंपेयर करना है कि भाई ये बराबर की कंडीशन लगानी, अगर दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बड़ा है छोटा है, किस तरह की कंपेरिजन, कंपेयर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बेस पे आप यहाँ पे जंप करोगे, जंप इक्वल टू एल वन, मतलब यहाँ पे एल वन पे चला जाए अगर दोनों बराबर हैं तो। ये आपको लाजमी लिखनी पड़ेगी कंपेरिजन जंप के लिए। कुछ भी नहीं था, बस लेबल देना है, इंस्ट्रक्शन लिखनी है, कंपेयर करना है और जंप देना है। अब जंप किस तरह काम करता है वो मैंने आपको बैक एंड पे बता दिया, आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये काम किस तरह कर रहा होता है। कंपेयर का मैंने आपको बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये काम किस तरह करता है, लेकिन अगर आप इस बैक एंड को ना देखें तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आपको जब लेबल देना है जहाँ जाना है, इंस्ट्रक्शन लिखनी है, कंपेयर करना है दो चीज़ों को, और बस कंडीशन लगानी है क्या कंडीशन है, उसके लिए आपसे जंप करना है। तो ये था जंप इक्वल टू। इस तरह बहुत सारे ऑपकोड्स हैं जो मैं आपको सारे ऑपकोड बता देता हूँ। पहला ऑपकोड देखें, ये एग्जांपल ले सकते हैं आप। ऑपकोड्स बताने से पहले बता देता हूँ आपको एग्जांपल्स। बिलफर्स आपने थ्री थ्री लिया था, तो उस कंडीशन में क्या होता है, थ्री यहाँ पे आया, थ्री यहाँ पे था, दोनों को चेक किया तो ये बराबर है तो जंप कर देगा। अगर आप एल इनपुट देते हो फाइव, फाइव दे दिया आपने इनपुट, फाइव यहाँ पे एल के पास आया, डी एल के पास तीन आया, फाइव और थ्री दोनों बराबर नहीं है तो ये जंप नहीं करेगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, तो ये वापस नीचे आ जाएगा खुद ब खुद नीचे, मतलब ये लाइन इग्नोर हो जाएगी, ये लाइन काम ही नहीं करेगी। आपने तीसरी बार एल के पास वन दे दिया, इनपुट वन दे दिया और डील के पास तीन है, तो यहाँ पे वन यहाँ पे तीन बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन काम नहीं करेगी, नीचे आ जाएगा। सिर्फ कब काम करेगी, जब आपका एल तीन होगा, बस कितना आसान था। तो पहला आउटपुट आपका आता है जंप इक्वल टू या जंप जीरो, दोनों बात सेम है, जंप इफ इक्वल या जंप इफ जीरो, आप यहाँ पे जे ई लिख सकते हो, यहाँ पे जे जेड लिख सकते हो। दूसरा ऑपकोड है जंप नॉट इक्वल, मतलब बराबर ना हो तो, या जंप नॉट जीरो, तो ये वाली कंडीशन दोनों तब काम करेंगी जब आप यहाँ पे जंप नॉट इक्वल करोगे, जंप इफ नॉट इक्वल, जंप इफ नॉट जीरो। इसके अलावा जंप लेस या जंप बिलो, मतलब नीचे बिलो बात सेम ही है, लेस बिलो, जंप इफ लेस, जंप इफ बिलो। इसके अलावा जंप लेस इक्वल टू, या छोटा या बराबर, या जंप बिलो इक्वल टू, बात सेम है, जंप इफ लेस आर इक्वल, जंप इफ बिलो आर इक्वल। इस तरह जंप ग्रेटर, अगर बड़ा है तो, जंप अबव, बात सेम है, जंप इफ ग्रेटर, जंप इफ अबव, जंप ग्रेटर इक्वल टू, जंप अबव इक्वल टू, बात सेम है जंप। इसके अलावा आप अगर चाहो तो आप, ये कंडीशन थी ऑफ कोर्स की जो सारी मैंने आपको बता दी, आप इनमें से कोई भी कंडीशन अपने प्रोग्राम की नेचर के लिहाज से, जो कंडीशन आपको लगानी है उसके लिहाज से आप इसके यहाँ से कोई ऑफ कोड यहाँ पे यूज़ कर लोगे, उसके बाद लेबल यहाँ पे जाना होगा आपको। इसके अलावा अगर आप चाहो तो फ्लैग रजिस्टर को टेस्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कैरी फ्लैग पे अगर वन आएगा तो क्या होगा, मतलब इन पे जंप करना चाहो इसके लिहाज से, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो जंप कैरी
jump parity, jump auxiliary, jump zero, jump sign, jump trap, jump interrupt, jump direction, jump overflow. मतलब इनको टेस्ट करना चाहो तो आप इस तरह जंप कर सकते हो. बिल्कुल आपने इंस्ट्रक्शन चलाई, ये वाला इनपुट लिया, सब्ट्रैक्शन किया. अगर सब्ट्रैक्शन में आपका पैरिटी कौन सा ऐड हो रहा है रिजल्ट पे, तो आप जंप पैरिटी करोगे तो जंप करेगा. इसके अलावा अगर आप चाहते हो इन दोनों में अगर ऑक्सलरी आ गया है तो आप जंप ऑक्सलरी करोगे, तो ऑक्सलरी अगर आया हुआ होगा तो फिर जंप करेगा ना नहीं करेगा, तो आप ये भी टेस्ट कर सकते हो. असल जो चीज़ थी वो थी ऑफ कोर्स, जो कि आपको याद करने पड़ेंगे. इक्वल टू का है, नॉट इक्वल टू का है, लेस का है, ग्रेटर का है, ग्रेटर इक्वल टू का है, लेस इक्वल टू का भी है. ये सारे ऑफ कोर्स जो आपको याद करने पड़ेंगे. कुछ भी नहीं था. अगर हम पहले की बात करें अनकंडीशनल जंप की, तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ इंस्ट्रक्शन थी, जहाँ जाना है उसका लेबल था और जंप लिख के लेबल दे दिया बस. कंडीशनल जंप की बात करें तो कुछ भी नहीं था, इंस्ट्रक्शन थी ये वाली, जहाँ जाना है तो उसके उसके कंपेरिजन करनी है हमें, जिस चीज़ के रिजल्ट के हमें कंपेरिजन करनी है कि भाई इन दोनों चीज़ों के कंपेरिजन करनी है. अगर ये इससे इक्वल है, अगर ये इसके बड़ा है, अगर ये इससे छोटा है, तो दो चीज़ें होंगी उनको कंपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद बस जंप की कंडीशन लगानी है, जंप और कुछ भी नहीं, बस ये था. थैंक यू एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.